नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लाइपोमा के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे लाइपोमा किसे कहते हैं, इसके होने के पीछे क्या कारण होते हैं और क्या इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं और किस प्रकार इसको होम्योपैथिक दवाओं द्वारा पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लाइपोमा किसे कहते हैं। दोस्तों लाइपोमा का मतलब होता है चर्बी युक्त गांठे। जब हमारे शरीर में चर्बी की मात्रा ज़्यादा होती है या वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो जो वसा है वो जगह जगह इकट्ठा होने लगती है, जिससे जो लाइपोमा की परेशानी है वो देखने को मिलती है। दोस्तों जो लाइपोमा की शिकायत होती है पुरुषों और महिला दोनों में हो सकती है। जो लाइपोमा की गांठें होती है हमारे शरीर में एब्डोमेन पर बन जाती हैं या बैक पर या हैंड पर या लेग पर या नेक पर, शरीर में कहीं भी ये देखने को मिल सकती है। दोस्तों इससे हमारे जीवन को कोई खतरा नहीं होता। जिन व्यक्तियों में लाइपोमा की शिकायत होती है ऐसा नहीं कि उनमें आगे चलकर ये गांठें कैंसर में बदल जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये गांठें कभी भी कैंसर में नहीं बदलती हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, लाइपोमा में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को लाइपोमा की शिकायत हो जाए तो इनका जो आकार होता है मटर के दाने के समान होता है शुरुआत में, और धीरे धीरे करके ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, कई सेंटीमीटर तक बड़ी हो जाती हैं। संख्या में भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ऐसे नहीं एक दो हो, 10, 20, 30, 40, 50 कितनी भी हो सकती हैं और आकार में लगातार बढ़ती रहती हैं। दोस्तों जो लाइपोमा होती है ये कैंसर रहित गांठें होती हैं, इनमें कैंसर की संभावना ना के बराबर होती है। ऐसा नहीं कि आगे चलकर ये कैंसर में बदल जाए, तो कभी भी ये गांठें कैंसर में नहीं बदलती हैं। जनरली ये दर्द रहित होती हैं, इनमें दर्द वगैरह नहीं होता है, लेकिन किसी किसी केस में भी इसमें दर्द भी देखने को मिलता है। जब ये किसी नस के ऊपर से होकर गुजरती हैं या नस के ऊपर ये बन जाए तो इनमें दर्द की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों जो लाइपोमा होती है कई सेंटीमीटर तक बड़ी हो जाती है, संख्या में भी बढ़ती रहती हैं, ये आकार में भी बढ़ती रहती हैं। दोस्तों जो लाइपोमा होती है ये इससे हमारे जीवन को कोई भी खतरा नहीं होता, ये बस कॉस्मेटिक रूप से थोड़ी खराब लगती है आपको देखने। अगर कोई व्यक्ति आपको देखता है तो सोचता है पता नहीं इसके शरीर में क्या निकल रहा है, क्या कैंसर की गांठें हैं, किस प्रकार की गांठें हैं, तो कैसे कॉस्मेटिक रूप से काफ़ी ज़्यादा ये खराब लगती हैं, इसलिए आपको इसका इलाज कराने की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में, लाइपोमा होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों जो इसका मेन कारण होता है, जिन लोगों के शरीर में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है या फैट की मात्रा ज़्यादा होती है उनके शरीर में लाइपोमा की शिकायत देखने को मिलती है। दोस्तों बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं लाइपोमा के लिए। तो दोस्तों जो पहली मेडिसिन है लैपिसल्वस 30, दोस्तों लाइपोमा की मेन मेडिसिन है। लाइपोमा के बहुत सारे केसेस मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। अगर बात करें इसके डोज के बारे में तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें अगली मेडिसिन के बारे में तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है कलकीरियोफ्लोर 6x, दोस्तों कलकीरियोफ्लोर मेडिसिन होती है, ये भी लाइपोमा को ठीक करने की काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। लाइपोमा ही नहीं, शरीर में अगर किसी भी प्रकार की गांठ है तो उसको ठीक करने का काम कलकीरियोफ्लोर मेडिसिन करती है। अगर बात करें इसकी डोज के बारे में तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम रात दिन में 4 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कलकीरियोफ्लोर की एक सेपरेट वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, चाहूँ तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर बात करें अगली मेडिसिन के बारे में तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है ये 84 ड्रॉप, दोस्तों एलन कंपनी की काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है लाइपोमा के लिए, लाइपोमा को ठीक करने के लिए। दोस्तों अगर बात करें इसकी डोज के बारे में तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो 20-20 बूंदे सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ मेडिसिन थी जिनकी सहायता से अगर आपको लाइपोमा की शिकायत है या आपके परिवार में किसी को लाइपोमा की शिकायत है तो आप उनके लिए इस मेडिसिन का सजेस्ट कर सकते हैं या आप अपने लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।